आज मैं बात करने वाला हूँ कि प्रधानमंत्री आवास योजना आप कैसे मोबाइल में चेक करें, मतलब हम लोग जो कहते हैं इंदिरा आवास, उसे आप अपने मोबाइल में कैसे चेक करें कि आया है या नहीं। सबसे पहले आपको क्या करना है, क्रोमो या गूगल में जाना है। उसमें जाने के बाद यहाँ पे आपको सर्च मारना है PMAYG.MIC.IN। इसको सर्च करने के बाद आपके पास इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। अब यहाँ पे क्या करना है, ये ऐड आएगा, इसको यहाँ पे कोने में कट करके इसको हटा लेना है। इसको हटाने के बाद इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। अगर आपको लैंग्वेज हिंदी में रखना है तो हिंदी में भी रख सकते हैं। यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे लैंग्वेज का दिया गया है। यहाँ पे अगर हिंदी में रखना है तो हिंदी भी रख सकते हैं, अंग्रेज़ी तो अंग्रेज़ी भी। चलिए मैं अंग्रेज़ी ही रखने देता हूँ। अब यहाँ पे क्या करना है, थ्री लाइन जो है इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आया है आवास सॉफ्टवेयर, सेकेंड नंबर वाला जो है, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने का फिर इसके क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आता है रिपोर्ट, सेकेंड नंबर में फिर आता है रिपोर्ट, आपको यहाँ पे रिपोर्ट पे क्लिक करना है। रिपोर्ट पर क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। अब यहाँ पे देखिए ए में है, BCDE, ई में आना है यहाँ पे चौथा नंबर, ये जो चौथा नंबर है इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए ऑल स्टेट, मतलब यहाँ पे सारा स्टेट का आप देख सकते हैं, लेकिन आपको अगर देखना है कोई एक राज्य का तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया गया है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको कोई जो सा राज्य है वो राज्य सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपको क्लिक करना है, फिर जो सा राज्य है वो सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे मेरा बिहार है तो मैं बिहार सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद फिर से यहाँ पे देखिए प्रोसेस आगे बढ़ रहा है उसी तरह। यहाँ पे फिर से सेलेक्ट पे क्लिक करना है इसी पे, फिर यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपका जो सा डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे ले लेना। मेरा यहाँ पे जम्मू है तो मैं यहाँ पे जम्मू सेलेक्ट कर लेता हूँ। जम्मू सेलेक्ट करने के बाद आपके पास इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। फिर यहाँ पे आगे बढ़ ले जाना है, यहाँ पे फिर क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जौन सा प्रखंड है वो प्रखंड सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर मेरा प्रखंड खैरा, तो मैं इस पर खैरा वाला में क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे खैरा क्लिक करने के बाद फिर से यहाँ से प्रोसेस आया आगे बढ़ने का, फिर उसी पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आप पंचायत सेलेक्ट कर लेना है, जो साहब का पंचायत है वो सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे पंचायत मेरा बेला है तो मैं यहाँ पे बेला सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे बेला सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे आपको यहाँ पे जो है देख पा रहे होंगे कि 22+60, यहाँ पर जो है यहाँ पे गुना भी आएगा, घटा भी आएगा, जो भी आएगा मतलब उस तरह का यहाँ पे करके लिख देना है। तो यहाँ पे देखिए 22+60 है तो इसको जोड़ देना है। तो अब यहाँ पे होता है 82, तो 82 यहाँ पे लिख देना है। अब यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन आ रहा है, तो देख पा रहे होंगे सबमिट, तो यहाँ पे सबमिट कर देना है। अब यहाँ पे सबमिट करने के बाद देख पा रहे हैं यहाँ नीचे में आना है आपको, नीचे में यहाँ पे आप आ गए हैं। ठीक, अब यहाँ पे देखिए यहाँ नीचे में आ गए हैं। यहाँ पे देखिए जम्मू डिस्ट्रिक्ट जम्मू है, यहाँ पे देखिए जम्मू में सिर्फ इतना है
और खैरा, और जो मेरा बेला पंचायत था, बेला पंचायत में इतना लोगों को अभी इंदिरा आवास मिला है। अब यहाँ पे आपका क्या करना है, यहाँ पे जिसका नाम रहेगा शुरू में वो यहाँ पे आ जाएगा, जिसके नाम से मिला होगा, और यहाँ पे फिर उसके पिताजी का आ जाएगा, और फिर यहाँ फैमिली का आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे मान लीजिए किसी का क्लिक करना है, तो यहाँ क्या करना है, उनके यहाँ नंबर पे क्लिक करना है। यहाँ मान लीजिए आरती देवी का देखना है मुझे, मान लीजिए ये आरती देवी का देखना है, तो इसका यहाँ जो नंबर है ये नंबर पे क्लिक करना है। नंबर पे क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। मतलब ये देखिए, यहाँ पे स्टेट बिहार है, डिस्ट्रिक्ट जम्मू है, ब्लॉक खैरा है, और पंचायत बेला है, विलेज भंडरा है, विलेज भंडरा है। अब यहाँ पे देखिए, इनका अगर यहाँ पे फोटो अगर रहेगा दिया तो यहाँ पे फोटो आ जाएगा, अन्यथा नहीं आएगा। अब यहाँ पे देख ले गया, देख लीजिए यहाँ पे सारा चीज़ ये सबमिट है, अकाउंट नंबर। अब यहाँ पे देखिए हाउस स्टेटस, यहाँ पे देखिए लिखा है कंप्लीट, यहाँ पे देखिए कंप्लीट का ऑप्शन आ गया, मतलब इनका घर जो है पूरा बन गया है, कंप्लीट हो गया। यहाँ पे देखिए अकाउंट सब ये जुड़वा है, वो यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए इनका टोटल अमाउंट दिखा रहा है, यहाँ पे नीचे में देखिए, यहाँ पे आपका, यहाँ पे इनका बता रहा है कि कितना अमाउंट आया। तो यहाँ पे देखिए पहले बार में आया 55,000, फिर दूसरे बार में आया 45,000, फिर तीसरे बार में आया 30,000। वो कौन कौन सा डेट में आया ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो 18/4/2017 में आया इनका 55,000, फिर 26/9/2017 में आया इनका 45,000, फिर यहाँ पे 27/6/2019 को आया 30,000। अब यहाँ पे देखिए नीचे में भी आपको दिखा होगा, यहाँ पे भी इनका अमाउंट, तो यहाँ पे भी देखिए अलग ही डेट रहेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 28/4/2017 है डेट, यहाँ पे 28/4/2017 है, और यहाँ पे भी इनका 55,000 है, और फिर यहाँ पे 45,000 है, ये डेट भी अलग है, 14/12/2017 को है 45,000, फिर 30,000 इनका आया है 27/6/2019। मतलब इनका ये तीन तीन बार करके 6 बार आया है इनका पेमेंट ये पूरा। अब ये जोड़ कैलकुलेट कर लेते हैं तो ये टोटल हो गया इनका 2,60,000, इंदिरा आवास में जो मिलता है 2,60,000 मिलता है, यहाँ पे इनका देखिए पूरा आ गया है, ये घर भी बना लिए हैं। यहाँ पे देखिए कंप्लीट लिखाया होगा, यहाँ पे देखिए कंप्लीट लिखाया है।